देखिए, ये जो मुद्दा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। 2000 सबसे पहले 7 में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया, जो शहरी निकाय में चुनाव हुए थे। 2012 में भी मिला, 2017 में भी मिला, उसमें तो कोई स्टे नहीं है। 2022 में क्यों स्टे है? कौन जवाब दे? देखिए, ये जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की। और ये क्यों हुआ ऐसा, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, मैं तो था 2007 में जब इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, सभी से राय लिया गया था, उसकी मॉनिटरिंग होती थी, उस समय भी कोर्ट में केस गए थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह गया था, लेकिन सरकार सतर्क थी। और आज ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप कार्यवाही नहीं करिए तो क्या है जी? बहुत स्पष्ट है कि जो तवज्जो उस पर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कई वर्ष हो गया है ना, तो हम बिल्कुल कंप्लेसेंट हो गए। उनको लगता है कि जो चल रहा है वो चल रहा है। जब कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है कि आरक्षण के लिए आपको ये करना है, वो करने में क्या दिक्कत थी? अगर वो आज किए होते तो आज क्या स्थिति है पूरे बिहार में जी? आरक्षण तो एक बात हुई, जरा देखिए 250 के आसपास सब इस प्रकार की यूनिट हैं, चुनाव चल रहे थे, सारे जितने हमारे उम्मीदवार थे चुनाव लड़ रहे थे, 10 तारीख को वोट पड़ना था, 21 को पड़ना था, कितना खर्च हुआ है, कौन इसका जिम्मेवारी लेगा? ये देखिए सरकार की पूरी तरह से विफलता है। और सरकार अगर सतर्क रही होती तो ये बात नहीं होती। और जहाँ तक पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण की बात है, तो अति पिछड़ा का आरक्षण जब दिया गया था 2007 में, तो बीजेपी जेडीयू साथ थे, एनडीए की सरकार थी, तो क्यों इस बात के लिए आप एक दूसरे पर ये कर रहे हैं? देखिए, गलती हुई है, चूक हुई है, उसको सुधारने की जरूरत है। और सरकार के पास जो ऑप्शन है तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये तो आज देखिए पूरा का पूरा जो शहरी निकाय क्षेत्र है, आप पटना को ले लीजिए, गया को ले लीजिए, मैं राजगीर को ले लीजिए, बिहार शरीफ को ले लीजिए, वैसे ही इतनी गंदगी का माहौल है, इतना डेंगू फैला हुआ है। अब पूरा का पूरा जो है इसके चलते अब चुनाव लटक गया। देखिए, जितनी गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए था उसको नहीं ले रहे हैं, और बिना वजह सिर्फ बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। तुरंत जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को करनी है, उस पर जो भी एक्शन लेना है वो लें, और एक समय अवधि के अंतर्गत चुनाव करें। इसी मामले पर ललन सिंह कह रहे हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। उनको कितना ज्ञान है ना, वो सब बिहार जनता। देखिए दो चीजें भाई, कोई उच्च न्यायालय के आदेश है, सरकार स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन क्यों नहीं हुआ, और उसमें कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर मुझे क्या कहना है जी? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं तो रहा हूं, लेकिन क्या बढ़िया सिस्टम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मुख्यमंत्री बने, पहली बार बने तो किनका इस्तीफा याद है ना? याद है कि नहीं? मांझी जी का, उसी शाम इस्तीफा। उसके बाद आरएन सिंह साहब का इस्तीफा, उसके बाद मेवालाल चौधरी का इस्तीफा, इस बार तो एक नहीं दो दो इस्तीफा। श्रीमान जी पहले क्या करते? नाम तो आपके पास आता है, देखते क्यों नहीं है? लेकिन है क्या कि वो रहते हैं कि भाई हमारी इमेज ठीक है, अपने इमेज क्या है आज सब आप देख रहे हैं। आज आप देखिए बिहार में जो स्थिति है जी, हम तो घूम रहे हैं,
जाके देखिए एक सड़क आप हमको ग्रामीण इलाके में बता दीजिए, फिर तो कोई जाते थोड़े हैं, इसे पटने में रहते हैं, एक ठीक नहीं है। जाइए जितनी भी है, नल जल का स्कीम है सब टूट टाट के बराबर हुआ पड़ा है, पानी सब बह रहा है, कहाँ ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2020 में जनता ने एक जनादेश दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, एक संगठन एक गठबंधन को बनाया, और आप मुख्यमंत्री बने रह गए लेकिन पार्टनर बदल लिए। तो ये लोग के साथ, देखिए लोकतंत्र है और इसमें ताकत जनता के पास होती है, लेकिन जनता आपको एक्स के लिए वोट करती है और अपने मन से जब वाई की तरफ आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एक मोरल जो होता है आदमी का गवर्न करने का, वो लूज कर जाता है। और यही जो है ये चीजें बाहर आपको दिखती है। सर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन कार्तिकेय सिंह अभी तक फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। देखिए बहुत आसानी से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं लोग। पटना का ही हाल मैंने पिछले बार कहा था, भाई कोतवाली थाने में चढ़ करके अगर DSP को धमकाएगा जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? पटने जिले में बालू को लेकर के क्या हुआ? पूरा का पूरा बिहार में ये शराब और बालू के चलते क्या हो रहा पता है ना आपको? ये पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी बन गई है। ये पैसा सब कहाँ जा रहा है? कोई समाज सेवा लोग कर रहे हैं? ये सारे के सारे पैसे का जो है कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? आप जरा देखिए ना क्या हुआ। AK-47 चल रहा है जी, और कानून का राज बोल रहे हैं। हिम्मत ही 2005, 2006, 2007, 2010 तक किसी को कि AK-47 चला ले बिहार में, पुलिस चला सकती थी। 2017 तकड़ा तो भी AK-47 से चल रहा था जी। नहीं उस समय तो भी आप सरकार में थे। सरकार में मैं नहीं था जी, मैं कहाँ सरकार में था? 2017 तो मैं MP था जी। सरकार अरे मैं MP था जी, मैं कहाँ सरकार में था? मैं 2010 तक सरकार में था। डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, बीजेपी की जयंती है और उस पर राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है जेडी चोर से कि हम ही असली अनुयायी थे। अच्छा सुनिए जरा सा, बड़ी अच्छी बात आप छेड़े। जयप्रकाश, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को जेल में कौन लोग बंद किए थे? इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई थी? जो लोग बोल रहे हैं वो किस मूवमेंट की उपज हैं और मूवमेंट किस पर केंद्रित था? आज वो पुनीर गोदी में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं उनके अनुयायी हैं, नागालैंड जाने से काम नहीं चलेगा जी। नागालैंड में JP कई वर्षों तक रहे थे, भ्रमण किए थे, जनता के साथ रहे थे, वो कभी सत्ता में नहीं रहे थे, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं थे। तो आपको नागालैंड जाके काम करने का मन है ना, तो मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, जाइए नागालैंड में। वो 3 साल रहे थे, अभी 13 साल रहिए, वहाँ लोगों की सेवा करिए। देखिए JP की पहचान क्या थी, वो ताकत किसको देते थे? लोग को, लोकशाही। आज क्या हाल है लोकशाही का, मैंने बता तो दिया क्या हाल बना रखा है जी लोग का। जो जनता है उसका जनादेश का तो आप आदर ही नहीं करते, और आप JP को अपने को उत्तरदायी मान रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। देखिए JP का पूरा संपूर्ण क्रांति का, सिर्फ संपूर्ण क्रांति ट्रेन चला देने से हो जाता है। जिस सोच से, जिस विचार से JP ने पूरा का पूरा मूवमेंट चलाया, जिसके सब लोग आजकल के ऊपर हैं, उस पर काम क्या हो रहा है? आज आप देखिए बिहार में हमारे जितने साथी हैं, युवा साथी, अकेला बिहार ही एक प्रदेश है जहां की सरकार का पूरा फोकस रहता है कि सरकारी निवेश हो, सिर्फ सरकारी। यहां कितना निजी निवेश आता है, इसीलिए कहां से लोगों को रोजगार मिलेगा? और प्रदेशों में चले जाइए, यहां क्या होता है सरकारी निवेश में? क्या बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे? अब PMCH है ना जी, 5200 करोड़ का बिल्डिंग बनेगा। बिल्डिंग बनने के बाद जरा पूछ लीजिएगा, ये लोग अपना इलाज कराएंगे ना वहाँ? पूछ लीजिएगा जरा, जिनको इलाज कराना हो तो सब दिल्ली जाते हैं। अरे जब तक देखिए आप निजी क्षेत्र को नहीं लाइए, लोगों को बहुत ज़्यादा जो अवसर है नहीं मिलेंगे। आप यहाँ क्या होता है, किसी की तबीयत खराब होती है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भर्ती हैं जी, कहाँ बोलता है पारस, कभी बोलता है जी? IGMS के डॉक्टर मेदांता एडमिट हुए थे, CM गए। ये देख लीजिए, ये देखिए कि 17 साल में हम एक भी हॉस्पिटल सरकारी क्षेत्र में नहीं बना पाए, नहीं बना सकते। मैं बता दूं आपको,
लेकिन आप जरा चले जाइए बिहार के बाहर कहीं भी, चूँकि इतने वहाँ निजी निवेश हुए हैं, एक से एक अच्छी हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन आपका सिर्फ है कि सर हम सरकारी 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 5200 करोड़ की बिल्डिंग बना लेंगे, अच्छे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, पैरामेडिक्स वाले कहाँ से लाएंगे, फिर वो कमिटमेंट कहाँ से होगा। इसलिए देखिए आज ज़रूरत इस बात की कि जो सेवा है ना उसमें सुधार होना चाहिए, सिर्फ हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर करके सेवा नहीं कर सकते।